हेलो नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए राजस्थान मार्च करंट अफेयर 2023 की क्लास लेके आया हूँ, जो कि हाल ही में कपिल चौधरी सर के द्वारा जो है क्लास ले गई थी, उसके हस्तलिखित नोट्स के रूप में आपके सामने मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 21 मार्च 2023 को जो है पारित किया गया था राजस्थान विधानसभा के द्वारा। इसका उद्देश्य प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य का अधिकार देना है। इसको जो लागू किया गया था वह 4 अप्रैल 2023 को लागू किया गया था। इसके प्रावधान का उल्लंघन करने पर ₹10,000 जुर्माना दिया किया जाएगा पहली बार, और दूसरी बार ₹25,000 का जो है जुर्माना किया जाएगा। राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक 2023, जिसको पारित किया गया था 21 मार्च 2023 को, अधिवक्ताओं को संरक्षण के लिए जो है कानून बनाया गया है इसके तहत। और इसका उद्देश्य है कर्तव्य निर्वहन के समय किसी अधिवक्ता के विरुद्ध हमला, अपराध, घोर उपहति इत्यादि करने पर रोक लगाई जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर आरोपी को 2 वर्ष की कैद और ₹25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इस विधेयक को लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। राज्य स्तरीय पशुपालन सम्मान समारोह 2023 जो आयोजन हुआ था 22 मार्च 2023 को दुर्गापुरा जयपुर में आयोजन हुआ था। इसमें राज्य स्तरीय जो पुरस्कार दिया गया था वह दिया गया था सुरेंद्र अवाना, जिसको ₹50,000 की राशि दी गई थी। प्रेम सिंह राव को भी ₹50,000 की राशि दी गई थी। जिला स्तर पर 68 को जो है सम्मान किया गया था, जिसमें से 7 महिलाएं थी। इसमें ₹25,000 की राशि दी जाती है। और पंचायत समिति स्तर पर 345 लोगों को, जिसमें से 18 महिलाएं हैं, राशि ₹10,000 की दी जाती है। वर्ष 2022-23 में जीवीए में पशुधन उत्पादों का हिस्सा दूध में 82.62% का हिस्सा, और दूध उत्पादन में राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है, और फसल बीमा वितरण में भी राजस्थान प्रथम राज्य है। सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022, जिसमें राजस्थान के 8 जिलों को टीबी उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन करने हेतु पुरस्कार दिया गया, जिसमें से 4 जिलों को सिल्वर अवार्ड दिया गया, जिसमें से और 4 ही जिलों को ब्रॉन्ज अवार्ड जो है दिया गया था, जिसमें से 4 जिले सिल्वर वाले पूछे जा सकते हैं। बारा, भीलवाड़ा, जालौर और जैसलमेर को दिया गया। विश्व क्षय रोग दिवस वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन 24 मार्च 2023 को हुआ था, वाराणसी यूपी में हुआ था। इसके मुख्य अतिथि जो थे वह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खुद थे। टीबी उन्मूलन में राजस्थान को जो है 4th रैंक दिया गया था, जो कि पहले 19वें रैंक पे था। टीबी मुक्त करने का जो लक्ष्य है 2025 तक जो है रखा गया है। कृति भारती चिल्ड्रंस चैंपियंस अवार्ड 2023 से जो है इनको सम्मानित किया गया। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। सारथी ट्रस्ट जोधपुर के मैनेजिंग ट्रस्टी भी है, और बाल विवाह रोकने की जो है मुहिम इनके द्वारा चलाई जा रही है। ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 जो है इनको प्रदान किया गया था। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया गया था 23 मार्च 2023 को। इससे संबंधित नगर पालिका में निर्वाचन अयोग्यता से है इसका संबंध। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन 20 से 22 मार्च 2023 को हुआ था। कहाँ हुआ था? बोरानाडा जोधपुर में, और यह प्रतिवर्ष जोधपुर में आयोजन किया जाएगा। हस्तशिल्प निदेशालय जो है जोधपुर में स्थित है। राजस्थान निर्यात पुरस्कार में 20 निर्यातकों को जो है दिया गया। ये प्रमुख सेज जो है पूछे जा सकते हैं। वाटिका सेज जयपुर में है, जेनपेक्ट सेज जयपुर में है, सोमानी सेज कुसकेड़ा अलवर में है, मानसरोवर सेज जोधपुर में है, RNB सेज बीकानेर में है, UPIP सीतापुरा नीमराणा और बोरानाडा जोधपुर में है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की 3 योजनाओं को स्कॉच अवार्ड दिया गया, जिसमें से गोल्ड दिया गया पालनहार योजना को, सिल्वर दिया गया उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और CM कन्यादान योजना, दोनों को सिल्वर अवार्ड दिया गया था। इसके बाद देखते हैं हम सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान 2022 का दिया गया था अमीन खां, जो कि बाड़मेर से तहसील के थे, और 2023 का जो दिया गया अनिता बघेल अजमेर दक्षिण से संबंधित है। इसके बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में MOU जो हुआ है IIT जोधपुर और बफेलो यूनिवर्सिटी USA के जो है बीच हुआ है। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का आयोजन किया गया जोधपुर में। इसका शिलान्यास जोधपुर में किया गया था 20 मार्च 2023 को CM अशोक गहलोत जी के द्वारा जो है किया गया था। जयपुर और कोटा में अब बनेगा ये इनोवेशन हब, जबकि जोधपुर में जो है उद्घाटन हो चुका है।
राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट भी जोधपुर में स्थित है। राजीव गांधी सेंट्रल पार्क भी जो है जोधपुर के अलावा सवाई माधोपुर में स्थित है। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ 20 मार्च 2023 को किया गया था। इसके तहत घर बैठे सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ना था इसका।